नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत मुलायम सिंह यादव से। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया। साधना गुप्ता के निधन के बाद से मुलायम परिवार टूट गया है। मुलायम परिवार में मातम छाया हुआ है और ऐसे में देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है। अखिलेश यादव अपनी मां साधना गुप्ता से बहुत प्यार करते थे और जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी माता जी साधना गुप्ता का निधन हो गया है तो अखिलेश यादव भी भावुक हो पड़े हैं। अखिलेश यादव मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अपनी माता जी साधना गुप्ता से बहुत सारे ऐसे काम थे जो पूछ कर करते थे और कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अखिलेश यादव की सौतेली माता है साधना गुप्ता। इस बीच हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं साधना गुप्ता की संपत्ति से जुड़ी। जी हाँ, साधना गुप्ता के पास कितनी संपत्ति थी, कितनी संपत्ति की मालकिन है वो और किस तरह से उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई है, एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता थी। साल 2019 में मुलायम सिंह ने चुनाव आयोग के को जो हलफनामा दिया था उसमें बताया था साधना गुप्ता के नाम करीब 5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। साधना गुप्ता के पास लखनऊ में 2 घर हैं। इन घरों की कीमत मुलायम सिंह यादव ने करीब 1.93 करोड़ रुपए घोषित की थी। मुलायम सिंह के हलफनामे के मुताबिक पत्नी साधना ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में करीब 20 लाख रुपए की कमाई की थी। साधना गुप्ता की कमाई का जरिया मुलायम सिंह यादव ने अपने हलफनामे में प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया बताया था। इसके साथ ही उन्हें बैंकों में जमा धन पर भी ब्याज मिलता था। बता दें, साधना गुप्ता राजनीति से दूर रहती थी। मुलायम सिंह से शादी से पहले वह तलाकशुदा थी। पहले पति से उनको एक बेटे हैं, बेटे का नाम प्रतीक है। साधना से शादी के बाद मुलायम ने प्रतीक को अपना नाम दिया। प्रतीक भी अपनी माँ की तरह राजनीति से दूर रहते हैं और अब बिजनेस करते हैं। हालांकि साधना गुप्ता के निधन के बाद से मुलायम परिवार टूटा हुआ है, तो वहीं मुलायम परिवार को लगातार सांत्वना दी जा रही है। मुलायम अपनी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता से बहुत प्यार करते थे और साधना गुप्ता ने कभी भी परिवार के बीच में फ़र्क नहीं समझा। जितना प्यार वो प्रतीक यादव से करती थी, उतना ही अपने बेटे अखिलेश यादव से। प्रतीक और अपर्णा यादव के साथ जैसे रिश्ते थे साधना गुप्ता के, ठीक वैसे ही रिश्ते अखिलेश और डिंपल के साथ थे। अखिलेश और डिंपल को वो हमेशा अपने बच्चों की तरह मानती थी और अखिलेश और डिंपल ने भी कभी भेदभाव नहीं किया। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तो वो माँ साधना गुप्ता से सलाह मशवरा करने चले जाते थे। साधना गुप्ता हमेशा अखिलेश और डिंपल यादव के साथ ज़्यादा खड़ी रहती थी। जितना ज़्यादा सपोर्ट वो अखिलेश और डिंपल यादव को करती थी, उतना ही कम वो प्रतीक और अपर्णा को करती थी। हालांकि बच्चों में कभी भी उन्होंने दूरियां नहीं रखी और परिवार को एक माले में पिरो कर रखा था। तो देखा आपने ये रिपोर्ट। साधना गुप्ता के निधन के बाद उनकी संपत्ति को लेकर बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही है। माना ये जा रहा है कि उन्होंने मुलायम परिवार को एक माला की तरह जो है पिरो कर रखा था और सभी लोगों से वो घुली हुई थी, सभी लोगों से उनका बहुत अच्छा स्नेह था, सभी से वो प्रेम करती थी, चाहे वो प्रतीक यादव हों, अखिलेश यादव हों या डिंपल यादव हों या फिर अपर्णा यादव हो। ये देखने को मिला है कि साधना गुप्ता कभी जो है अखिलेश और प्रतीक या फिर अपर्णा या फिर डिंपल इनके किसी काम में दखल नहीं देती थी। हाँ, हालांकि अगर साधना गुप्ता से जो सलाह ली जाती थी या ये बच्चे जो सलाह लेते थे तो साधना गुप्ता उनकी मदद बहुत करती थी। हालांकि ये माना जा रहा है कि साधना गुप्ता बहुत समय से बीमार चल रही थी और ऐसे में उनको मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके लिए प्रार्थना भी की जा रही थी कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन उनके फेफड़ों में संक्रमण ज़्यादा फैल जाने की वजह से उनका निधन हो गया। तो हम अपने चैनल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।